अमिताभ बच्चन ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक पंजाबी फिल्म करी है। कईयों को मालूम नहीं होगा लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है इफ यू आर अमिताभ बच्चन फैन। व्याह दी गल सुन के तेनु स्वाद आ गया, व्याह तो बात तेनु और भी है? गोलमाल गगन की फिल्मी कलियां। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपना 81st बर्थडे मना रहे हैं और अमिताभ बच्चन ने वो पंजाबी फिल्म करी थी जिसका नाम था विलायती बाबू 1981 में, जिसमें उनके साथ नजर आए थे पंजाबी एक्टर एंड कॉमेडियन मेहर मित्तल एंड एक्ट्रेस रीना रॉय। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्म कुमार ने। एक्चुअली पहले धर्मेंद्र जी से बात चल रही थी लेकिन फिल्म के एक एक्टर योगेश छाबड़ा जो कि जया बच्चन के क्लासमेट रह चुके थे FTII में, उन्होंने सिफारिश करी कि क्या बच्चन साहब आ सकते हैं मतलब फिल्म में हमारी, तो मजा आ जाएगा, मतलब पंजाबी फिल्म असी बना रहे हैं तो कुछ चांस। तो जय जी ने कहा होगा ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? बच्चन साहब से बात कर लेते हो? तो बच्चन साहब अपनी बीवी की बात कहाँ टालने वाले हैं, तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दिया। हालांकि फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कैमियो रोल पे हैं, पूरी फिल्म मेहर मित्तल साहब ने लीड करी है और इनका तो बीच बीच में आपको सीन दिखते रहेंगे। नहीं रिश्ता तेरिया नी मां दिए मोमबत्तीए। अमिताभ बच्चन की इको एक पंजाबी फिल्म तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, लिंक मैं शेयर कर दांगा। वीडियो तो कितना लगी डू लेट मी नो, लाइक करो शेयर करो एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वो घंटे वाला बटन जरूर दबा देना ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आ जाए। की कहते हो बादशाह?